हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सत्यजीत एंड आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि कैसे हम लोग फ्लैश मेल सेंड कर सकते हैं। फ्लैश मेल का मतलब है कि अगर हमने किसी को मेल किया तो वो मेल किसी स्पेसिफिक टाइम के बाद ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा या फिर डिस्ट्रॉय हो जाएगा, आप कह सकते हो, तो उसको हम फ्लैश मेल कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे मोबाइल पे जीमेल जो हमारा ऐप है उसका यूज़ करके हम कैसे फ्लैश मेल सेंड कर सकते हैं किसी को, एंड उसके बाद हम लोग देखेंगे कि डेस्कटॉप का यूज़ करके हम कैसे फ्लैश मेल सेंड कर सकते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स तो यहाँ पे मैं अभी अपने मोबाइल के स्क्रीन पे हूँ, तो देख लेते हैं कि मोबाइल का यूज़ करके कैसे हमें करना है। तो सबसे पहले हमें कंपोज पे क्लिक करना है, एंड ये मैं आपको करके दिखाने वाला हूँ टेम्पररी मेल के हेल्प से। जैसे कि आप टेम्पररी मेल एक ओपन कर लेना अपने मोबाइल के ब्राउज़र में। कैसे ओपन करना है, अगर आपने, मैंने इस पर वीडियो बना रखा है कैसे यूज़ करना है टेम्पररी मेल का, अगर आपने नहीं देखा है तो अभी आपको आई बटन पे दिख रहा होगा एक लिंक, आप उस पर क्लिक करके जाके वो वीडियो चेक कर सकते हो। तो आपको गूगल में आना है एंड टेम्प मेल लिखना है, मैं फिर से बता देता हूँ, टेम्प मेल लिखना है एंड सबसे ऊपर जो वेबसाइट आएगी एक tempmail.org उस पर क्लिक करना है आपको। तो उसके बाद ये वाला खुल जाएगा एंड यहाँ पर लोडिंग लिख रहा है, यहाँ पे आपका ईमेल आईडी आ जाएगा। यहाँ ग्रीन कलर वाला जो बटन दिख रहा है इस पर क्लिक करके आप कॉपी कर सकते हो, तो मैंने कॉपी कर लिया है एंड जो भी मेल आएगा वो यहाँ पे हमें दिखाई देगा इनबॉक्स में। तो अब मैं अपने प्राइमरी वाले ईमेल से इस पर मेल करके आपको दिखाता हूँ। हम जाएंगे पहले कंपोज करेंगे एक मेल को एंड यहाँ पे टू में वो वाला डाल देंगे ईमेल एड्रेस। सब्जेक्ट में लिख लेता हूँ मैं फ्लैश मेल एंड कंपोज में लिख लेते हैं हाय, जस्ट हाय लिख लिया मैंने इसे। उसके बाद इसे सेंड करके दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। सेंड कर दिया, अब आ जाते हैं इस वाले ईमेल पे, टेम्पररी ईमेल पे। अभी तक तो कोई आया नहीं है मेल, लेकिन देखते हैं कुछ देर में आ जाएगा। तो यहाँ पे आ चुका है, आप देख लो। तो इसे मैं ओपन कर लेता हूँ, तो ये देखो मैसेज हमारा हाय आ चुका है एंड सब्जेक्ट में फ्लैश मेल। मैं बैक जाता हूँ एंड अब सेंड करके देखेंगे हम लोग प्राइमरी मेल से। एंड फिर से मैं एक मैसेज ईमेल कंपोज करता हूँ एंड इसमें फिर से वही वाला मेल एड्रेस डाल देता हूँ। सब्जेक्ट में लिख लेता हूँ फ्लैश मेल टू एंड कंपोज में मैसेज में लिख लेता हूँ हाय एंड इसे नाम दे देते हैं, अभी इसे भी टू टू करके दे देता हूँ कुछ। एंड अब जो मेन है वो यहाँ पे है देखने वाली बात, एंड अब देख लेते हैं कि इसे हम कॉन्फिडेंशियल कैसे बना सकते हैं, मतलब वो फ्लैश मेल जो मैं जिस बारे में बात कर रहा था वो। तो वहाँ राइट साइड में कॉर्नर में आपको ऊपर में दिख रहा होगा थ्री डॉट दिख रहे होंगे, उस पर आपको क्लिक करना है एंड उसके बाद नीचे में देख लो थर्ड नंबर पे एक ऑप्शन आ रहा है कॉन्फिडेंशियल मोड का, उस पर आपको क्लिक कर लेना है एंड उसके बाद ऊपर में दिख रहा होगा आपको सेट एक्सपायरी एक्सपायर इन वन वीक, तो इस ड्रॉप डाउन लिस्ट पे आपको क्लिक करना है एंड उसके बाद आपको चूज कर लेना है कि कितने दिन में एक्सपायर हो जाए। तो एक्सपायर इन वन डे मैं चूज कर लेता हूँ एंड उसके बाद नीचे में भी आपको दो ऑप्शन मिल जाते हैं कि स्टैंडर्ड का एंड एक एसएमएस पासकोड का। तो स्टैंडर्ड जो होगा वो नॉर्मल होगा, जैसे मैंने आपको ईमेल करके दिखाया वो नॉर्मल ईमेल वैसे ही होगा, लेकिन एसएमएस पासकोड में होगा ये कि आपको इसमें आपको एक फ़ोन नंबर देना होगा एंड जब वो रिसीवर आपका ईमेल ओपन करेगा तो वो आपके मैसेज को डायरेक्टली नहीं देख पाएगा, उसे देखने के लिए एक ऑप्शन दिया जाएगा जिसमें कि गूगल द्वारा एक मोबाइल नंबर पर पासकोड आएगा जो भी आप इंटर करोगे, मतलब मैं करके दिखाता हूँ आपको समझ में आ जाएगा।
तो यहाँ से SMS पासकोड वाला चूज कर लेते हैं एंड ऊपर में राइट साइड कॉर्नर में आपको सेव का ऑप्शन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक कर देना। अब इतना करने के बाद जैसे ही आप सेंड करोगे तो ये देखो आपसे मोबाइल नंबर मांगेगा। मैं सेंड पर क्लिक कर रहा हूँ तो ये देखो यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर मांग रहा है। तो ऊपर वाला जो ऑप्शन दिख रहा है ऐड मिसिंग इन्फॉर्मेशन, इस पर क्लिक करना है एंड आपको फ़ोन नंबर ऐड करना है। अब फ़ोन नंबर किसका ऐड करना है वो मैं आप जान लो पहले। जैसे कि मैं एक रिसीवर को भेज रहा हूँ ये ईमेल, तो वो जब रिसीव करेगा तो उसे उस ईमेल को ओपन करने के लिए पासकोड की ज़रूरत पड़ेगी, जो पासकोड इसी फ़ोन नंबर पर जाएगा। तो आपको फ़ोन नंबर उसी रिसीवर का ही डालना होगा। तो जैसे कि मैं डाल लेता हूँ, मैं यहाँ पर अपना फ़ोन नंबर डाल लेता हूँ, बट आप उसी का डाल देना रिसीवर का ही जिसको आप भेज रहे हो मैसेज। उसके बाद डन पे ऊपर क्लिक कर देंगे एंड अब मैं सेंड कर देता हूँ इसको। तो आप देख लो सेंड लिख दिया मैसेज। अब हम चलते हैं टेम्प्रोरी मेल पे, वहाँ पे देखते हैं कि मेल आया है कि नहीं। तो अभी फ़िलहाल एक ही मेल आया हुआ है, पहला वाला, अब देखते हैं। अभी तो इनबॉक्स एम्प्टी बता रहा है। अब देखो अभी दूसरा वाला मेल आ गया, फ्लैश मेल 2, जिसका कि सब्जेक्ट हमने डाला था। अब मैं इसे ओपन कर लेता हूँ क्लिक करके। अब ये जो डैशबोर्ड ओपन होगा वो देखो किस प्रकार से ओपन होता है इसका। ये यहाँ पे हमें हमें मैसेज नहीं दिखा रहा है, सिर्फ सब्जेक्ट दिखा रहा है, दैट्स इट। अगर हमें मैसेज देखना है तो ये यहाँ पे दिखा रहा है कि व्यू द ईमेल, व्यू ईमेल पे हमें क्लिक करना है एंड उसके बाद व्यू ईमेल पे क्लिक करने के बाद ये जो हमने वहाँ फ़ोन नंबर मांगा था वो इस पे पासकोड सेंड करेगा। तो इस पे सेंड पासकोड पे क्लिक करेगा। ये हमारा काम नहीं होगा, ये रिसीवर का काम है, जो जिसे हम भेज रहे हैं उसे भेज चुके हैं हम ईमेल एंड वो रिसीव कर चुका है। अगर उसे मैसेज पढ़ना है तो उसे ये सब प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। जिसे सेंड पासकोड पर क्लिक करेंगे तो ये उसी फ़ोन नंबर पर पासकोड आएगा। जैसे कि अभी मैंने अपना ही फ़ोन नंबर डाला है तो अभी कुछ देर में आएगा, देख लेते हैं। OTP आएगा, देख लो आप आ चुका है यहाँ पे 310214, मैं डाल लेता हूँ एंड सबमिट पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद जो ओपन होगा वो हमारा पूरा मैसेज के साथ ओपन होगा। आप देख लो ऊपर में दिखा रहा कंटेंट एक्सपायर्स May 9, 2021, मतलब एक दिन में एक्सपायर हो जाएगा ये। एंड अभी हमें अपना मैसेज भी दिख रहा है 222 करके जो मैंने डाला था। सो दैट्स इट। ऐसे ही आप फ्लैश मेल सेंड कर सकते हो एंड अगर आप इसे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल बनाना चाहते हो तो आप SMS पासकोड वाला ऑप्शन चूज कर सकते हो। हम अभी यहाँ अपने लैपटॉप के स्क्रीन पर आ चुके हैं एंड यहाँ पर मैंने एक अपना ईमेल अकाउंट खोल रखा है एंड एक टेम्प्ररी मेल का डैशबोर्ड खोल रखा है। तो टेम्प्ररी मेल क्या होता है एंड कैसे यूज़ करना है अगर आपको नहीं पता है तो मैंने इस पर भी एक वीडियो बना रखा है। अभी आपको आई बटन पे उसका लिंक दिख रहा होगा तो आप उस पर क्लिक करके जाके वो वीडियो भी देख सकते हो, फिर आके ये वीडियो देख लेना। तो अभी मैंने यहाँ पे टेम्प्ररी मेल का एक डैशबोर्ड खोल रखा है एंड हम इसे कॉपी कर लेते हैं। मैं यहाँ जो भी दिखाने वाला हूँ वो इस ईमेल से, जो मेरा प्राइमरी ईमेल है इससे, इस टेम्प्ररी ईमेल पे ईमेल करके आपको दिखाने वाला हूँ। इसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, इस पर क्लिक करके कॉपी कर लेंगे एंड देन यहाँ पे आके मैं एक नया ईमेल कंपोज कर रहा हूँ जिसको भेजना है रिसीवर का। यहाँ पे ईमेल डाल देना आपको, मेरा रिसीवर ये है टेम्प मेल वाला आईडी। तो यहाँ से मैंने कॉपी करके यहाँ पे डाल दिया है एंड सब्जेक्ट में लिख लेते हैं फ्लैश मेल 1 कर दे रहा हूँ मैं, फ्लैश मेल 1 एंड यहाँ पर लिख देते हैं हाय लिख देता हूँ। ओके, तो मैं यहाँ पे नॉर्मल इसे पहले सेंड करके आपको दिखा देता हूँ कि जाता है या नहीं। तो यहाँ पर देख लो ये मैसेज सेंड लिख दिया, यहाँ पे आके चेक कर लेते हैं। तो अभी मेरा ये इनबॉक्स जो है वो एम्प्टी है, कुछ देर में आ जाएगा ये, नहीं आता तो यहाँ पे रिफ्रेश का बटन है। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो आ चुका है ये मेल, मैं इसे ओपन कर लेता हूँ।
इसे ओपन करने के बाद ये ऐसा दिखेगा। यहाँ पे देख लो आप, जैसे ही मैंने ओपन किया ये यहाँ पे मैसेज जो हमने भेजा था वो दिख रहा है हाय का। अब मैं इसे डिलीट कर देता हूँ ओके वही वाला ईमेल है। और यहाँ पे आते हैं, अब यहाँ पे नया ईमेल मैं कंपोज कर रहा हूँ एंड इसमें हम यूज़ करने वाले हैं फ्लैश मेल का, जो कि टेम्प्रोरी होगा, मतलब कुछ दिन के लिए या फिर कुछ वीक के लिए होगा एंड उसके बाद ऑटोमेटिक वो डिलीट हो जाता है। तो इसके लिए हमें इसका ही यूज़ करना है। जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये ब्लैक कलर का जो लॉक दिख रहा है, अच्छे से दिखा देता हूँ आप लोगों को। ये यहाँ पे जो ये दिख रहा है ये वाला ऑप्शन है, इस पर हमें क्लिक करना है। तो पहले यहाँ पे रिसीवर का ईमेल डाल देना है, उसके बाद सब्जेक्ट में डाल देता हूँ मैं फ्लैश मेल 2 करके डाल देता हूँ। फर्स्ट वाला मैंने दिखाया, ये सेकंड समझ लो। यहाँ पे मैसेज जो भी है हाय 2 करके डाल देता हूँ एंड उसके बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे जो अभी मैंने यहाँ पे लॉक वाला ऑप्शन बताया आपको। यहाँ पे क्लिक करने के बाद इस वाले ऑप्शन पे यहाँ पे देख लो आप, सेट एक्सपायरेशन का ऑप्शन आता है ये। उसके बाद यहाँ जो ड्रॉप डाउन का जो बटन दिख रहा है इस पर क्लिक करने के बाद एक्सपायर्स इन 1 डे 1 वीक 1 मंथ 3 मंथ 5 ईयर, तो आप जो भी चूज करना होगा वो चूज कर लेना, मैं 1 डे चूज कर रहा हूँ। एंड उसके बाद इसके नीचे आने पे यहाँ पे 2 ऑप्शन मिल जाते हैं, ये नो SMS पासकोड का और ये एक SMS पासकोड का। तो नो SMS पासकोड जो होगा वो नॉर्मल ईमेल की तरह डिलीवर होगा, जैसे आप जाओगे वहाँ पे एंड जब रिसीवर उस ईमेल को ओपन करेगा तो उसको सीधे मैसेज दिख जाएगा आपको। एंड यहाँ पे अगर SMS पासकोड वाला ऑप्शन चूज करते हैं तो हमें यहाँ पे एक फ़ोन नंबर डालना होता है जिस पे कि वो जब रिसीवर हमारा ईमेल ओपन करेगा उस पे, जब वो रिसीवर हमारा ईमेल ओपन करेगा तो उस फ़ोन नंबर पे पासकोड आएगा एंड वो पासकोड इंटर करने के बाद ही वो मेल को पढ़ पाएगा। तो यहाँ पे देख लो अब मैं ये चूज कर रहा हूँ SMS पासकोड एंड उसके बाद सेव पे क्लिक करेंगे। अब मैसेज हो गया है, सब्जेक्ट में भी हमने लिख दिया है एंड रिसीवर का यहाँ पे ईमेल भी है। अब सेंड पे क्लिक करता हूँ। सेंड पे क्लिक करने के बाद देखो यहाँ पे ये फ़ोन नंबर मांग रहा है, तो हमें यहाँ पे फ़ोन नंबर डालना है जिस पे कि पासकोड आए, ताकि वो पासकोड मतलब OTP ही होता है, 6 डिजिट का आता है OTP गूगल द्वारा, तो उसको इंटर करने के बाद ही वो मैसेज पढ़ पाएगा रिसीवर। तो यहाँ पे मैं अपना फ़ोन नंबर डाल देता हूँ, आप रिसीवर का डाल देना ताकि वो अपने फ़ोन पे पासवर्ड मंगा के एंड देन उसे ओपन कर सके। तो यहाँ पे मैं अपना फ़ोन नंबर डाल देता हूँ एंड उसके बाद सेंड पे क्लिक कर देंगे। तो आप यहाँ देख लो लेफ्ट साइड में बॉटम में देखो यहाँ पे मैसेज सेंड दिखा रहा है यहाँ। अब हम यहाँ पे टेम्प मेल पे आके चेक कर लेते हैं कि मेल आया हुआ है या नहीं। तो अभी तो फ़िलहाल नहीं आया हुआ है, योर इनबॉक्स इज एम्प्टी दिखा रहा है। ओके यहाँ पे आ चुका है मेल, आप देख लो फ्लैश मेल 2, यही हमारा सब्जेक्ट था। अब मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। तो आप देखो जो पहला वाला मेल था वो नॉर्मल था, लेकिन इसमें हमें मैसेज नहीं दिख रहा है एंड इसमें यहाँ पे बोल रहा है कि देखने के लिए मतलब यहाँ इस पर क्लिक करना होगा आपको, ये ब्लू वाला जो दिख रहा है इस पर हमें क्लिक करना होगा व्यू द ईमेल, बट मैसेज हमें नहीं दिख रहा है। तो ओके मैं इस पर क्लिक करता हूँ। इस पर क्लिक करने के बाद देख लो ये वाला ऑप्शन दिया हमें, टू व्यू दिस ईमेल यू मस्ट फर्स्ट कन्फर्म योर आइडेंटिटी, अ वन टाइम पासकोड विल बी सेंड टू दिस नंबर। तो यहाँ पे सेंड पासकोड का ऑप्शन दिखेगा आपको, इस पर क्लिक कर लेना होगा, जो रिसीवर होगा आपका वैसे क्लिक करेगा एंड उसके बाद जो फ़ोन नंबर दिए रहोगे आप उस पर पासकोड जाएगा। तो जैसे कि मेरे पे आ चुका है, मैं यहाँ पे इंटर कर लेता हूँ।
एंड सबमिट पर क्लिक कर देना। ये रिसीवर का पार्ट है, ये वो करेगा, आपको सिर्फ यहाँ पे मेल देके एंड सेंड कर देना। तो यहाँ पे आप देख लो, अब वो उस मतलब मैसेज को पढ़ पाएगा, जो रिसीवर होगा हमारा वो उस मैसेज को पढ़ पाएगा। यही मैसेज था हमारा। सो ऐसे ही आप कर सकते हो। अगर किसी ईमेल को बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल बनाना है तो आप इस तरह से फ्लैश मेल का यूज़ करके या फिर SMS पासकोड का यूज़ करके कर सकते हो। ओके, आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो, एंड अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना, एंड चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। एंड इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा। एज वेल एज आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा या फिर अभी आपको स्क्रीन पर मेरा यूज़र नेम यहाँ दिख रहा होगा, आप मुझे फॉलो कर सकते हो। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टाटा।